हेलो फ्रेंड्स, संगीता स्पोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टू डिफरेंट वे वड़ा पाव बनाएंगे। एक वड़ा पाव बनाएंगे और दूसरा वड़ा पाव रोल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वड़ा पाव के लिए बेसन का घोल रेडी करेंगे। तो ये बाउल में हम 2 कप भर के बेसन का आटा डाल देते हैं। बेसन को हमने छान के यूज़ किया है। उसके बाद आधी स्पून जितना नमक, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल रेडी करेंगे। घोल थोड़ा सा हम गाढ़ा रखेंगे। तो लीजिए, हमारा गाढ़ा वाला बेसन का घोल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से घोल रेडी करके ये घोल को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो ये साइड हमारा बेसन का घोल रेस्ट हो रहा है, तब तक हम वड़ा पाव के लिए वड़ा का मसाला भी रेडी करेंगे। तो गैस पर हम एक कढ़ाई रख के कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। 1 टेबल स्पून जितना मस्टर्ड सीड डालेंगे। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्च को हमने कट कर लिया था। एकदम स्पाइसी वाली हरी मिर्च लिया है, ताकि ये हमारा मसाला है ना, वो भी थोड़ा सा स्पाइसी बने। थोड़ी देर हम मिर्ची को भूनेंगे। तो मिर्ची हमारी रोस्ट हो चुकी है। तो ऊपर से हम 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे। ये वड़ा पाव का जो मसाला है ना, एकदम सिंपल सा बनता है। वड़ा पाव में सिंपल सा ही मसाला बनाया जाता है। आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर, आधी स्पून जितना नमक, थोड़ी सी हींग, उसके बाद 4 मीडियम साइज का बॉईल किया हुआ आलू डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून जितना फ्रेश धनिया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते हैं, ताकि वड़ा का मसाला टेस्टी बने। आलू को मैश कर लेते हैं। आलू को मैश करने के बाद हम हल्के हाथे आलू को मिक्स करेंगे, ताकि हमारा आलू का मसाला है ना, वो भी चिकना ना बने। कई बार आलू का मसाला है ना, वो चिकना भी हो जाता है। तो लीजिए, हमने आलू का मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे ये मसाला को आप टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको उसमें थोड़ा सा नमक या लेमन जूस कम लगे तो ऐड कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट हमारा मसाला रेडी है। ऊपर से फ्रेश धनिया डाल के ये कढ़ाई हम गैस ऊपर से नीचे ले लेते हैं। तो वड़ा पाव के लिए हमारा आलू का मसाला रेडी है। तो ये मसाले में से हम वड़ा पाव के लिए बॉल्स बनाएंगे। तो वड़ा की साइज में बड़ी रखने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैं बॉल्स रेडी करूंगी। तो लीजिए, हमने जो मसाला बनाया था ना, उसमें से हमने इतना वड़ा के लिए बॉल्स बना लिया है। और दूसरी साइड हमारा बेसन का घोल भी अच्छे से सेट हो चुका है, एकदम स्मूथ बन गया है। तो ऊपर से हम आधी स्पून जितना लेमन जूस एंड 1 टीस्पून जितना इनो डालेंगे। इनो मैंने ऑरेंज फ्लेवर का आता है ना, वो लिया है। कोई भी फ्लेवर का ले सकते हो, और प्लेन वाला इनो भी ले सकते हो।
इनो डाल के एक ही डायरेक्शन में हम बैटर को फेंटेंगे। तो इनो है ना, जब भी वड़ा को फ्राई करना है तभी बैटर में डालना है, उसकी वजह से वड़ा का ऊपर का जो लेयर होता है ना एकदम स्मूथ बनता है और अच्छा खासा फूलता है और वड़ा भी एकदम सॉफ्ट बनता है। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो तेल भी हमारा गर्म हो रहा है। तो वड़ा पाव के लिए हमारा आलू का बॉल्स भी रेडी है और बेसन का घोल भी रेडी है। तो एक आलू का बॉल्स लेके हम बैटर में अच्छे से डिप कर लेते हैं और वड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर हम वड़ा को फ्राई करेंगे। तो वड़ा को हम क्रीमी टाइप का रखेंगे, मतलब ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं बनाएंगे, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो क्रीमी टाइप का ही बनेगा। तो लीजिए, हमारा वड़ा फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा बन गया है। तो ये वड़ा को हम ले लेते हैं और इस तरह से हम दूसरा वड़ा को भी फ्राई कर लेते हैं। तो वड़ा पाव के लिए हमारा गरम गरम वड़ा भी रेडी है और पाव भी रेडी है। पाव आप कच्चा भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद वड़ा पाव के लिए वड़ा पाव की चटनी, तो वड़ा पाव की चटनी की रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके बाद खट्टी मीठी इमली की चटनी, उसके बाद धनिया की चटनी, तो ये तीनों चटनी की रेसिपी हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद वड़ा पाव के साथ प्याज एंड हरी मिर्ची तो बनती है। तो वड़ा पाव के लिए हमारी सारी चीज़ें रेडी है। तो ब्रेड को हम थोड़ा सा शेक लेते हैं, कच्चा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्रेड को थोड़ा सा घी लगा के शेकेंगे ना तो ब्रेड फ्रेश भी हो जाता है और पाव खाने में भी अच्छा लगता है। तो दो पाव को हम शेक लेते हैं। तो लीजिए, हमने दो पाव को शेक के रेडी कर लिया है। तो पाव के बीच में हम चटनी वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम धनिया की चटनी लगाएंगे। उसके बाद ऊपर वड़ा पाव की सूखी चटनी डालेंगे। तो चटनी वगैरह आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद खट्टी मीठी इमली की चटनी, उसके बाद वड़ा रख देंगे। दो वड़ा पाव बनाया है, उसके बाद ऊपर वड़ा पाव की चटनी। तो लीजिए, हमारा गरम गरम दो वड़ा पाव रेडी हो चुका है। तो ये वड़ा पाव मैंने मेरे स्टाइल से बनाया है, स्ट्रीट फूड स्टाइल। तो सिर्फ पाव के बीच में थोड़ी सी वड़ा पाव की चटनी एंड वड़ा डाल के ये लोग सर्व करते हैं। तो इस तरह से सिंपल से भी वड़ा पाव बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। तो ये गरम गरम वड़ा पाव के साथ तली हुई मिर्ची एंड प्याज तो बनता ही है। तो देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसा जबरदस्त टेस्टी और बढ़िया वड़ा पाव बना है। तो गरम गरम हमारा वड़ा पाव तो रेडी हो चुका है। अभी हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे, वड़ा पाव रोल। वड़ा पाव रोल बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज का आलू लिया है। आलू को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम ये आलू को बीच में कट लगा लेते हैं ताकि बॉईल होने में ज्यादा टाइम ना लगे और अंदर अच्छे से बॉईल हो। तो इस तरह से आलू के बीच में कट लगा के ये आलू को बॉईल करने के लिए कुकर में डाल देते हैं। एक गिलास पानी डाल के कुकर के ऊपर ढक्कन बंद करके ये आलू को हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। 3 से 4 विसल लगाएंगे।
तो ये साइड हमारा आलू बॉईल हो रहा है, तब तक हम वड़ा पाव रोल के लिए ब्रेड को भी कट करके रेडी करेंगे। तो जितना आपको वड़ा पाव रोल बनाना है उतनी ब्रेड यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने 6 ब्रेड लिया है, तो ब्रेड की साइड की जो किनारी है ना उसको भी हम कट करेंगे ताकि रोल बनाने में एकदम ईजी रहे। तो ये ब्रेड की किनारी को जो हम कट कर रहे हैं ना उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो लीजिए, हमने 6 ब्रेड को कट करके रेडी कर लिया है, और ये जो ब्रेड की किनारी है ना उसको भी हम छोटे छोटे पीसीस में कट करेंगे। वो पीसीस हम जब भी आलू का मसाला बनाएंगे ना उसमें डाल देंगे। तो ब्रेड को भी कट कर लिया है। तो चलिए, बड़ा पाव रोल के लिए बेसन का घोल रेडी करेंगे। तो ये बेसन का घोल हम 1 कप बेसन से बनाएंगे, क्योंकि हम 6 ही रोल बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल रेडी करेंगे। तो लीजिए, हमारा बेसन का घोल रेडी हो चुका है, और दूसरी साइड हमारा आलू भी बॉईल हो चुका है। तो चलिए, हम आलू का मसाला रेडी करेंगे। तो गैस पर हम एक कढ़ाई रख के, कढ़ाई में हम 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद आधी स्पून जितना मस्टर्ड सीड, आधी स्पून जितना जीरा, एक हेलोपिनो को हमने कट कर लिया था वो डाल देते हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर हेलोपीनो को भूनेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद 4 मीडियम साइज का बॉईल किया हुआ आलू डाल देते हैं। उसके बाद कट किया हुआ ब्रेड की किनारी, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून जितना लेमन जूस, आलू को मैश कर लेते हैं। तो जब भी मैं आलू का मसाला बनाती हूँ ना, तो इस तरह से मैं बॉईल करके आलू डाल देती हूँ, उसकी वजह से मसाला चिकना भी नहीं बनता है। तो मसाला को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऊपर से फ्रेश धनिया डाल देते हैं। तो गैस की फ्लेम बंद करके हम ये कढ़ाई गैस ऊपर से नीचे ले लेते हैं। जबरदस्त टेस्टी बढ़िया मसाला बना है। तो वड़ा पाव रोल के लिए हमारा आलू का मसाला भी रेडी है। तो चलिए, दूसरी साइड हम बेसन का घोल में लेमन जूस एंड इनो भी डाल देते हैं। तो 1 टेबल स्पून जितना अपना लेमन जूस एंड 1/2 टीस्पून जितना इनो डाल के घोल को रेडी करेंगे। तो ऑरेंज फ्लेवर का मैंने इनो यूज किया है। तो वड़ा पाव रोल के लिए हमारा आलू का मसाला भी रेडी है, और बेसन का घोल भी रेडी है। और यहाँ पे हमारी ब्रेड भी रेडी है। तो चलिए, हम एक ब्रेड लेके ब्रेड के ऊपर पानी डाल के ब्रेड को एकदम सॉफ्ट बना लेते हैं, ताकि रोल बनाने में एकदम इजी रहे। तो इस तरह से पानी वाला हाथ करके ब्रेड को अच्छे से दबा के पतली बना लेना है। तो हमने ब्रेड को सॉफ्ट बना लिया है। तो ये ब्रेड के ऊपर हम वड़ा पाव की चटनी एंड धनिया की चटनी लगाएंगे। तो ये दोनों चटनी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो ये दोनों चटनी की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोनों चटनी हमने प्लेट के ऊपर लगा लिया है। उसके बाद आलू का हमने जो मसाला बनाया था ना, उसमें से हमने इस तरह से रोल बना लिया है। इस तरह से रोल बना के बीच में रख के ब्रेड को अच्छे से कवर कर लेना है।
तो लीजिए, हमारा एक रोल बन गया है। इस तरह से हम दूसरा रोल भी बना लेते हैं। एकदम इजी है और फटाफट बन जाता है। तो लीजिए, हमारा 6 वड़ा पाव रोल बन के रेडी हो चुका है और बेसन का घोल भी रेडी है। और दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है, तो तेल भी गरम हो गया है। तो एक वड़ा पाव रोल लेके बेसन के घोल में डिप करके ये रोल को हम फ्राई करेंगे। तो एक ही मसाले में से आप दो अलग अलग रेसिपी बना सकते हो, मतलब एक वड़ा पाव और दूसरा वड़ा पाव रोल। तो ये वड़ा पाव रोल में सारी चीजें आ जाती है। बीच में हमने जो चटनी भी डाली है, आलू का मसाला भी डाला है और ब्रेड भी यूज किया है और बेसन का घोल में अच्छे से हमने डिप भी किया है। एकदम इजी रेसिपी है और सबको ये वड़ा पाव रोल पसंद आएगा, ज्यादा झंझट भी नहीं है। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म वड़ा पाव रोल फ्राई हो चुका है। तो ये रोल को हम ले लेते हैं और इस तरह से हम दूसरा रोल को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये रोल डायरेक्टली आप खा सकते हो, कुछ भी चटनी की जरूरत नहीं पड़ती है। बीच में ऑलरेडी हमने चटनी वगैरह डाल दिया है, डायरेक्टली खट्टी मीठी इमली की चटनी में डिप करके ये रोल खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए, फिर मिलते ही मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।